हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनमोल और आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो है अपने बालों में से डैंड्रफ को कैसे दूर कर सकते हैं और आपके बालों की ग्रोथ को कैसे तेज कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिससे बालों की ग्रोथ जो है रुक सी जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको फिटनेस, फैशन, ब्यूटी और होम रेमेडीज, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड होम रेमेडीज चाहिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना, वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लड़कों की लोज के लिए, स्पेशली बॉयज लोग के लिए है, कि मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं लड़कों के लिए टिप्स लेकर के आता हूँ, फैशन, ब्यूटी, हेयर ग्रोथ, बियर्ड ग्रोथ और बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत सी प्रॉब्लम है जो सिर्फ हम लड़कों के बीच की हैं, उसमें गाइस जो लड़कियों को नहीं बता सकते हम, तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो गाइस, आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। तो अब हम जो है बालों में से डैंड्रफ को दूर करने के लिए जो है रेमेडी लेकर के आए हैं साथ ही साथ गाइस। जो तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की रेमेडी को। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें चाहिए, प्याज और गाइस लेमन। तो गाइस, अब करना क्या है, प्याज के रस में जो है गाइस पोटेशियम, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं गाइस। ये जो मिनरल्स होते हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ये जो है बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ गाइस, हम यहाँ पर जो लेमन जूस का यूज़ कर रहे हैं, लेमन जूस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे गाइस जो है स्कैल्प जो है ठीक से साफ हो जाती है, डैंड्रफ जो है हमारे बालों का जो है वो दूर कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेमन जूस का यूज़ कर रहे हैं। तो तैयार, चलिए शुरू करते हैं कि रेमेडीज कैसे बनानी है। तो इसके लिए हम आपको आधा कप जो है प्याज का रस लेना है, आधा कप आपको नींबू का रस लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और दोनों को ठीक तरह से आपके बालों पर लगा लेना है। बालों पर गाइस उसको 15 से 20 मिनट तक बालों पर मसाज करना है। 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के 2 घंटे बाद आपको याद रखना, 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के 2 घंटे तक आपको बालों को पानी नहीं धोना है या फिर कुछ भी उसमें ऑयल ऑयल नहीं लगाना है। 2 घंटे बाद तक आप अपने बालों को 2 घंटे तक सूखने दीजिए, उसके बाद आप अपने बालों को साफ पानी से धो लीजिए गाइस। ये बात ध्यान रखना कि हमेशा आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर क्या हम बालों को शैम्पू कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप कोई होम रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं, घरेलू नुस्खे का यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर किसी भी शैम्पू, किसी भी साबुन का यूज़ मत कीजिए, जिससे आपके जो होम रेमेडी की है, आपने हमने जो नुस्खा लगाया है उसका असर बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो आप शैम्पू का यूज़ नहीं करें, बल्कि साफ पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए, जिससे जो है उसके थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ लगा जो है बाल गंदे जो होते हैं वो साफ हो जाएंगे। तो अब ये हो गया कि दोनों को आधा आधा कप दोनों को मिक्स करना है, 15 मिनट तक मसाज करना है बालों में अच्छे से, 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है, 2 घंटे बाद आपको साफ पानी से धोना है। ये आप गाइस हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार करना है, ये चीज़ आपको दिन में एक ही बार करना है, हफ्ते में 3 से 4 बार, दिन में एक बार करना है। तो गाइस, 3 से 4 बार में आपका डैंड्रफ बिल्कुल भी खत्म कर देगा, क्योंकि ये उसका मैंने खुद यूज़ किया हूँ, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा उसने मेरे को प्रॉब्लम दिया। मेरे बालों में गाइस जो है बिल्कुल भी डैंड्रफ जो है मेरे बालों में अब बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं बचा है, जिससे डैंड्रफ की वजह से बालों की हेयर ग्रोथ रुक गई थी। तो डैंड्रफ खत्म हो गया तो बाल भी ठीक से बढ़ने लगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक तो बनता है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चाहिए, वो कोई आपको वीडियो बनवानी, तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना मेरे को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए। थैंक यू।